हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं बेल के ऊपर, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। बहुत सारे क्लाइंट के मन में ये बात रहता है कि बेल कब मिलेगी। जब बेल के लिए आते हैं कोई भी क्लाइंट, तो सिर्फ एक क्वेश्चन मिलता है कि वकील साहब, आप जल्द से जल्द उसको जेल से निकलवाएं, बेल कब तक ग्रांट हो जाएगा, बेल कब तक मिल जाएगा, कब तक आप जेल से उसको निकलवा दीजिएगा। देखिए, तो इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं डिटेल में। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जहां तक बेल की बात है, जब बेल की बात करते हैं तो बेल जो है ऐसे नहीं मिल जाता है कि आप अभी जेल में गए हैं और आपका बेल एप्लीकेशन कल फाइल कर देंगे और बेल मिल जाएगा। देखिए, बेल मिलना और ना मिलना ये तो जज साहब पे डिपेंड करता है कि वो आपको बेल देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन वकील साहब पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करता है। वकील साहब पे ये डिपेंड करता है कि बेल यदि वो लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो नेचर ऑफेंस देखें कि ऑफेंस का नेचर क्या है, किस नेचर के ऑफेंस है। मान लीजिए कोई सीरियस नेचर के ऑफेंस होता है और उसमें यदि कोई वकील साहब आपको बोल देते हैं कि मैं बेल अभी दिला दूंगा, तो ये सर्वथा गलत होगा, क्योंकि बेल तुरंत नहीं मिलता। उसमें बेल मिलने के लिए आपको आपके जो वकील साहब होते हैं, उन वकील साहब को मेहनत करना पड़ता है। उसको सबसे पहले नेचर ऑफ ऑफेंस देखना पड़ता है कि अपराध किस प्रवृत्ति के हैं, किस प्रकृति के अपराध हैं, अपराध के कौन से प्रकार हैं, सीरियस नेचर के अपराध हैं या फिर बिना सीरियस नेचर के अपराध हैं, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मान लीजिए एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कोई मर्डर का केस है। अब मर्डर के केस में आप आते हैं, आज मर्डर किया किसी ने और वो जेल गया, और दो दिन बाद आप आते हैं कि वकील साहब बेल कब तक मिलेगा, और वकील साहब आपको बोल देते हैं कि 5 दिन में बेल हो जाएगा। तो देखिए, ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि 5 दिन में मर्डर के केस में वो सीरियस नेचर का ऑफेंस है, रेप के केस हुए सीरियस नेचर के हैं, कोई ठगी करता है, चीटिंग करता है, ये सब सीरियस नेचर के ऑफेंस हैं। 420 का केस है, सीरियस नेचर का ऑफेंस है, कोई एनडीपीएस का मैटर है, पॉक्सो का मैटर है, ये सारे सीरियस नेचर के ऑफेंस हैं। और इसमें यदि आप आज किए और 2 दिन बाद, 5 दिन बाद या 10 दिन बाद बेल का एश्योरेंस देते हैं, तो ये कहना सही नहीं होगा। और जहां तक बात है बेल मिलने की, तो छोटे मोटे जो ऑफेंस होते हैं उसमें यदि आप 2-4-5 दिन के बाद बेल लगाते हैं, जैसे 379 का हुआ, मान लीजिए चोरी का कोई केस है और उसमें यदि आप बेल लगा देते हैं तो आपको बेल मिल जाता है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के अंदर भी, क्योंकि वो इतने सीरियस नेचर के ऑफेंस नहीं होते हैं। लेकिन जहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात होती है, 10 साल की जेल की बात आती है, तो उस केस में आपको बेल इतना जल्दी नहीं मिलता है। अब बेल मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, सबसे पहला बात है कि बेल मिलने के लिए आपके वकील साहब को बहुत मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले वकील साहब को नेचर ऑफ ऑफेंस देख के फिर बात करना चाहिए, फिर उस पर उनको ग्राउंड तैयार करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है कि हमारे पास क्या एविडेंस है इन केस के लिए कि मैं आर्ग्यू कर सकूं जज साहब के सामने। क्योंकि आप यदि बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आईओ साहब के द्वारा भी रिपोर्ट भेजा जाता है कोर्ट में, जो एक्यूज्ड के खिलाफ होता है, वो कोर्ट में जब आते हैं तो उसी रिपोर्ट के आधार पर पीपी साहब जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं, सरकारी वकील, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब उसी के आधार पे आर्ग्यू करते हैं। और आप उस आर्ग्यूमेंट के समय यदि आपके पास कोई लूज होता है एविडेंस, यानी एविडेंस कोई नहीं होता है केस से रिलेटेड प्रॉपर, तो आप वहां पे डिनर पड़ जाते हैं और फिर आपको बेल नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप जब भी बेल की बात करें तो बेल के बाद करते समय आप ये देखें कि हम जो बेल एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं, बेल एप्लीकेशन हम फाइल करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या एविडेंस है। उससे पहले आप नेचर ऑफ ऑफेंस देखें, यदि सीरियस नेचर का ऑफेंस है तो सही ये होगा कि आप चार्जशीट फाइल होने दें, जैसे रेप, मर्डर या पॉक्सो या एनडीपीएस के मैटर हैं, चिटिंग के मैटर हैं, 420, ये सब जितने भी केस हैं, तो इस सब चीजों में आप ये देखें कि यदि आपको जल्दीबाजी नहीं है तो आप थोड़ा रुक जाएं और चार्जशीट फाइल होने दें, उसके बाद बेल एप्लीकेशन फाइल करें। क्योंकि चार्जशीट के बाद बहुत सारे ग्राउंड बदल जाता है, चार्जशीट के आधार पर फिर वकील साहब मेहनत करते हैं, अपना ग्राउंड तैयार करते हैं, फिर उस पर आर्ग्यू करते हैं, तो फिर बेल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो चार्जशीट फाइल होने दें सीरियस नेचर के केस में। और यदि छोटे मोटे केस हैं, छोटे नेचर के केस हैं जो सीरियस नेचर के नहीं है, उसमें आप जो बेल है वो आप यदि आज व्यक्ति अरेस्ट हुआ तो 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 14 दिन बाद आप बेल लगा के बेल ले सकते हैं, उसमें मिलने की संभावना रहती है।
अब बात आती है कि बेल कहां से मिलेगा, तो फ्रेंड्स जो सीरियस नेचर के ऑफेंस नहीं होते हैं वहां तो पहले आप लोअर कोर्ट में लगाएंगे, जो एमएम होते हैं या सीजीएम के कोर्ट होते हैं उनके कोर्ट में, फिर उसके बाद वहां से यदि बेल डिसमिस होता है तो फिर आप जाते हैं सेशन में, और सेशन से यदि डिसमिस होता है तो फिर आप हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां से हाई कोर्ट से डिसमिस हो गया तो ये एक प्रोसेस होता है। लेकिन जो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं जैसे 376 का हुआ या फिर एनडीपीएस का हुआ या पॉक्सो का हुआ, तो इसमें तो आपको क्या है कि जो लोअर कोर्ट है उनको तो इसमें बेल देने का राइट ही नहीं है, कानून ने उनको इसका अधिकार नहीं दिया है, तो इसका बेल तो सीधा सेशन में लगेगा। अब सेशन में यदि आप बेल लगाते हैं और वहां पे बेल यदि डिसमिस हो जाता है तो आप फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव कीजिए, वहां से बेल मिलने की आसार बढ़ जाते हैं, बेल मिलने की संभावना बढ़ते हैं और वहां से आपको बेल मिल सकता है। हाईकोर्ट से यदि नहीं मिलता है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का एक चांस रहता है कि सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मुझे लगता है कि कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि बेल कब लगाना चाहिए, और क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं उनको बेल लेने का जल्दीबाजी ज्यादा रहता है। अब जल्दीबाजी के चक्कर में क्या होता है कि वकील साहब को क्या है, वकील साहब बेल एप्लीकेशन 2 दिन पे 4 दिन पे 5 दिन पे फाइल करते जाते हैं और वहां से बेल एप्लीकेशन उनका डिसमिस होता जाता है, बेल एप्लीकेशन फाइल किया डिसमिस हुआ, ऐसे क्रियाएं चलती रहती है। लेकिन क्लाइंट को क्या है कि क्लाइंट को इस बात को समझना चाहिए कि आखिर बेल एप्लीकेशन क्यों डिसमिस हो रहा है, बेल ग्रांट क्यों नहीं हो रहा है, उनको अपना दिमाग लगाना चाहिए। देखिए बेल एप्लीकेशन डिसमिस इसीलिए होता है क्योंकि आपका ऑफेंस जो है वो सीरियस नेचर का होता है, उसका ग्राउंड आपके फेवर में एविडेंस होता नहीं है, और जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो आर्ग्यू कर दे आपके वकील साहब के साथ तो आपके वकील साहब के पास जो है कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं होता और फिर उसके बाद उनके पास एविडेंस नहीं होते, जिसके कारण से आपको बेल नहीं मिलता है, बेल ग्रांट नहीं होता, बेल डिसमिस हो जाता है। इसीलिए बेल लेने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है। तो बेल जब भी आप लेने जाएं तो आप पेशेंस रखें और वो ऑफेंस को देखें किस प्रकार के ऑफेंस हैं और फिर उसके बाद बेल एप्लीकेशन मूव करें। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।